हेलो फ्रेंड्स, होम सेंचुरी में आपका स्वागत है। कुछ दिन से मैं ये महसूस कर रहा था, मेरा जो रैबिट है इसकी एक्टिविटीज़ बहुत कम हो गई हैं और ये लूज़ मोशन भी करने लगा था, कुछ खा पी ठीक से नहीं रहा था। तो मुझे पता चला कि इसको डायरिया हो गया है। तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि आपको डायरिया का इलाज किस तरीके से करना है। तो मैं कई दिन से वही इलाज कर रहा हूँ, तो अभी थोड़ा ये ठीक है। हाँ तो दोस्तों, आपको क्या करना है, रैबिट को अपनी गोद में लेना है, इसको हाथ में आराम से और आहिस्ता से सलाते सलाते इसको जब आप उल्टा कर देंगे तो फिर ये आराम से लेट जाएगा। और फिर आप सिरिंच में ORS जो है उसको भर लीजिए और फिर आराम से इसके मुंह पर ले जाकर आहिस्ता आहिस्ता से एक एक ड्रॉप करके छोड़िए। तो देखिए ये पी रहा है और ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता एक ड्रॉप सिरिंच जो है पूरी इसको पिला दीजिए, ऐसे रोज़ाना सुबह में, ऐसे ही एक सिरिंच शाम में। और खाने में जो है इनको आपको कोई भी जो है जैसे पालक हुआ और बाकी चीज़ें अभी नहीं देनी है। फ़िलहाल इनको सिर्फ खीरे के जो छिलके होते हैं वो खिलाने हैं और गंदगी से इनको बचाना है, साफ़ सुथरे जगह पर रखना है इनको, इन सब चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है। तो जल्द ही इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएंगे। और इसी तरह इनको जैसे लोग आप ऐसी छत वगैरह पर छोड़ देते हैं, खुले में छोड़ देते हैं धूप वगैरह में, तो उससे इनको बचा कर रखना है क्योंकि इससे उनको सन स्ट्रोक हो जाता है।